सकते हैं, यह महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नोटिस कल का है, ये नोटिस 8/8/2023 का, और यहाँ पे जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो आज तक है। जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाते हैं। अगला जो अपडेट है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की तरफ से, जो कि साउथ में स्थित एक यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं, इनका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट यूजी का और पीजी का दोनों का ही रिलीज किया जा चुका है। यहाँ पे यूजी का आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा लिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट का, ये सारे ही कोर्सेज जो मैं दिखा रहा हूँ इंटीग्रेटेड है, और यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और सलेक्शन लिस्ट दोनों ही रिलीज किया जा चुका है। पहले आप ऊपर देखेंगे, ये जितना लिस्ट आप देख रहे हैं ये सभी जो हैं वो सिलेक्शन लिस्ट है। ऊपर आप देखिए यहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है, यानी जिसका नाम है वो सिलेक्टेड हुए हैं और अपना फ़ीस भुगतान कर सकते हैं, यानी कि फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और नीचे जो आप नेम देख रहे हैं वो सभी नेम प्रोविजनल कैंडिडेट का है। पीजी में भी सेम यहाँ पे रिलीज किया जा चुका है सिलेक्शन लिस्ट को, प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, MBA का है ये, और अलग अलग कोर्सेज का भी नीचे दिया गया है, सारे डिटेल यहाँ पर बताया जा रहा है कि कब से क्या करना है। और ये है आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यानी जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है सबका नाम है, तो जितने भी स्टूडेंट का नाम है सिलेक्शन लिस्ट में, और जिनका नाम अभी नहीं आया है वेट करेंगे नेक्स्ट राउंड का, नेक्स्ट राउंड में बिकॉज यहाँ पे भी कट ऑफ गिरेगी। अगला जो अपडेट है वो है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का, यानी कि DTU का। तो यहाँ पर आप लोग दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का वेबसाइट देख रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल चेक करेंगे, और जिनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है अलग अलग प्रोग्राम वाइज यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट रिलीज किया जा रहा है, तो अपना मेल चेक करेंगे और इनके पोर्टल पे जाके जो अपना है पूरा पेमेंट करेंगे अगर आप सिलेक्टेड हुए हैं तो। इसका वेबसाइट आप रेगुलरली विजिट करिएगा और चेक करते रहिएगा कि आपका नाम आया है या नहीं। ये इंजीनियरिंग के लिए यूनिवर्सिटी है, तो जो लोग भी यहाँ पर BTech के लिए अप्लाई किए हैं रेगुलरली यहाँ पर वेबसाइट को चेक करते रहेंगे। अगला जो अपडेट है वो कुछ यूनिवर्सिटी से तरफ से, जो मेरिट लिस्ट रिलीज करने वाली थी लेकिन अभी तक उनका मेरिट लिस्ट रिलीज़ नहीं हुआ है, तो उसमें है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसका मेरिट लिस्ट जल्दी ही आने वाला है, और जितने भी यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट या तो नहीं आया है या जल्दी ही आने वाला है तो उसका अपडेट आपको बाद में मिल जाएगा। अभी कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जो कि मेरिट लिस्ट रिलीज करने वाली थी, इसके बारे में काफ़ी जो स्टूडेंट हैं मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक दो दिन और वेट कीजिए, जल्दी ही जो यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट रिलीज करने वाली है वो जल्दी ही रिलीज कर देगी। जैसे ही रिलीज करेगी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दूंगा, चैनल पे बने रहें, क्योंकि अभी काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ का काउंसलिंग चलने वाला है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लो मार्क्स पर भी एडमिशन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि लो मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाएंगे, कितना भी कम मार्क्स है, इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, आपको निराश नहीं होना है, चाहे आपका मार्क्स 10वीं क्यों ना हो 20वीं क्यों ना हो, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन हो जाएंगे, आपके अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे CUET से, कोई भी यहाँ पर अपडेट आपका नहीं छूटेगा। और आप कुछ भी कमेंट करते हैं कोशिश करता हूँ जो मेन कमेंट होते हैं उनका मैं रिप्लाई करूँ, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।